गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ लुबा। और कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, बहुत यूज़फुल होने वाला है। वो है अगेन मामाअर्थ का ही एक प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने मामाअर्थ के उपटन फेस पैक का वीडियो अपलोड किया था, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और ये है मामाअर्थ आर्गन हेयर मास्क विद आर्गन एंड एवोकाडो ऑयल विद मिल्क प्रोटीन। तो ये है फॉर फ्रिज फ्री हेयर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर के लिए। तो आजकल जैसे भी आप कई यूट्यूबर्स को देखिए कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट का काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें एक उपटन फेस मास्क और एक ये हेयर मास्क काफ़ी तो देखिए इस पर मेंशन है कि ये मैन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं और सारी एज के लोग। और इसमें ड्राई, डैमेज कलर और केमिकली ट्रीटेड जो हेयर्स होते हैं, जैसे आपने रिबॉन्डिंग कराई है, स्मूदनिंग कराई है, या बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स अपने बालों पे यूज़ करते हैं और आपने कलर कराया है या हाइलाइटिंग कराई है, तो ऐसे डैमेज बालों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसमें ये लिखा है सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स स्पेशली कर्ली हेयर्स। तो इसमें ये लिखा है स्पेशली कर्ली हेयर्स, तो बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाते हैं और थोड़े से रफ़ रहते हैं, तो ये हर तरह के हेयर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको लगा के देखते हैं कैसा है। तो देखिए सबसे पहले ये इस तरह के देखिए टब में आता है, काफ़ी बड़ा इसका टब है, क्योंकि आप अगर बाहर पार्लर में भी हेयर स्पा कराने जाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपका हेयर स्पा नॉर्मल पार्लर में भी 800 to 1000 से कम में नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं। आजकल ये काफ़ी फेमस हो रहा है और मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो आज मैं ये मास्क आपके सामने फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो ये इस तरह के देखिए कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसमें सबसे अच्छी देखिए इसकी बात ये है, ये पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है और इसमें बायो एक्टिव्स हैं और ये हाइपो एलर्जिक है। तो इसमें ये कोई भी एनिमल टेस्टेड नहीं है, और पैराबेन जो होता है हमारे अगेन हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और आजकल काफ़ी प्रोडक्ट जो हैं इसीलिए पैराबेन फ्री बनने लगे हैं, क्योंकि पैराबेन काफ़ी नुकसान करता है हमारे स्किन को। और इसमें देखिए ये आपको इसमें 200 ml की इसमें आपको क्वान्टिटी मिलती है और इसका प्राइस जो है वो 599 rupees है। ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा या मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और देखिए ये अगस्त 2019 में मैन्युफैक्चर हुआ है और इसकी एक्सपायरी जो है वो जुलाई 2021 तक है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें लिखा है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो और उसके बाद आपको इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने बालों को अवॉइड करें हीट करने से, या जो हम लोग आजकल हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं, और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। और इसमें आपको इसको वीक में 2 बार लगाना है अपने बालों के लिए, अच्छी केयर के लिए। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया है और इसमें एक लिड था अंदर, तो ये देखिए वाइट कलर का मास्क आ रहा है जिसमें के अंदर है, क्रीम जैसा है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है इसमें कोई ज़्यादा सिंथेटिक स्मेल कुछ नहीं है। तो देखिए मैं अपने हेयर्स को मैं कॉम कर चुकी हूँ और उसके बाद जो है मैं ऐसे इनको 2 पार्ट में जो है मैं डिवाइड कर लूँगी। और उसके बाद इसको जो है जैसे कंडीशनर होता है वो हमें रूट से नहीं लगाना होता, इसको जो है आपको पूरा रूट से लगाना है और पूरा नीचे तक लगा लेना है अच्छे से। मेरे बाल भी काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, और अगर आप घर के बने हुए मतलब DIYs आप ज़्यादा नहीं आपको टाइम मिलता है तो आप एक ऐसा मास्क ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने इसकी तारीफ़ तो बहुत सुनी है, लेकिन मैं आज खुद ट्राई करूँगी और आपको देखिए सामने दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। पूरा देखिए रूट से लेके आपको पूरा नीचे तक अपने बालों में अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पे भी काफ़ी डैमेज होते हैं तो मैं अच्छे से यहाँ पे लगा ले रही हूँ।
तो देखिए मैंने एक तरफ लगा लिया है, मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ, तो इसमें कोई बहुत हार्ड स्मेल नहीं, और क्रीम के जैसा है जैसा कि फेशियल क्रीम या कुछ होती है उस टाइप का है, बल्कि मुझे तो इसमें थोड़ी जिंजर की या उस टाइप की कोई स्मेल आ रही है, और पर इसकी स्मेल जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। और देखिए मैं अपने पूरे बालों पे अच्छे से देखिए लगा रही हूँ, और इसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है कि अगर आपके बाल छोटे हैं तो ये आपका आराम से 4 से 5 बार चल जाएगा। ये देखिए अच्छे से ऐसे लगा लेना है पूरा, और पूरा रूट तक लगा के थोड़ा सा ऐसे मसाज कर देनी हूँ ताकि अंदर तक जो है पहुंच जाए। मेरे बाल स्ट्रेट ज़रूर हैं लेकिन गाइज ये बहुत उलझते हैं, तो मैं इसको लगा के रखूँगी। और इसमें लिखा है कि इसको आपको 20 से 25 मिनट लगा रखना है, या 30 मिनट्स आप रख सकते हैं, तो मैं इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स रखूँगी, और उसके बाद आपको एक सल्फेट फ्री शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश करना है। और फिर देखिए मैं वॉश करके ड्राई करके आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो अब देखिए मैंने ऐसे लगा के पूरा ऐसे बन बना लिया है, और अब मैं इसको क्लचर से जो है सिक्योर कर लूँगी, बांध लूँगी ऐसे। फ्रेंड्स ये देखिए ये है फाइनल रिज़ल्ट, आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे हेयर्स पे कितनी शाइनिंग आ रही है, कितनी शाइनिंग आ रही है, और बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं। और धुलने के बाद जो है ये बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी ये नहीं था कि सुलझ नहीं रहे, बहुत आसानी से सुलझ गए, और मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, और किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश करिए, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि सल्फेट फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना है। तो मुझे तो ये मास्क बहुत पसंद आया, और मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ज़रूर ये मास्क घर पे ट्राई करिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करें, और बताइएगा मुझे कि आप लोग और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Bye, take care.